वालेकुम फ्रेंड्स, इट मे सईद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है रमजान सीरीज का व्लॉग नंबर 5। और अगर आप लोगों ने अभी तक व्लॉग नंबर 4 नहीं देखा है तो यहाँ पर आई कार्ड पे पिन कर दूंगी, आप सब लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मैंने अभी असर की नमाज पढ़ ली है और आज मैं और मेरे सिबलिंग्स हमारे पापा के साथ जाएंगे और रमज़ान मेला विजिट करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कि रमज़ान मेला में क्या क्या होता है। और हम लोग जाएंगे, कैमल राइडिंग करेंगे वहाँ पर, हॉर्स राइडिंग कर लेंगे। तो चलो चलते हैं और आप लोग दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है। तो बिना किसी देर के वहाँ पर चलते हैं। गाइस सारे हम सब जा रहे हैं रमज़ान मेले में। तो ये रहा मुइस, ये रहा अब्दुल्ला, माह हाय फ्रेंड, और रियान हाय करो, मारिया हाय करो। तो अभी हम सब जा रहे हैं रमज़ान मेले में और हम जा रहे हैं अपने पापा के साथ। तो चलो सब चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं रमज़ान मेले में और सबसे पहले हम कैमल राइडिंग करेंगे। तो आप लोग को पहले वो दिखाते हैं। यहाँ देखो, तो अभी हम लोग यहाँ पे कैमल पर बैठ गए थे और शुरू शुरू में डर लगा, मगर फिर जब वापस आए थे तो इतना डर नहीं लगा, फिर सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने कैमल राइडिंग कर ली थी और अब्दुल्ला अब हॉर्स राइडिंग कर रहा है। पर अब्दुल्ला ने हॉर्स राइडिंग कर ली है और अब मुइज़ की बारी है, तो मुइज़ भी हॉर्स राइडिंग कर रहा है। यहाँ पर मोइज़ुल्ला ने भी हॉर्स राइडिंग कर ली है और फिर रेयान ने बोला कि मेरे को भी हॉर्स राइडिंग करनी है, तो फिर रेयान को भी हॉर्स राइडिंग करवाई। रेयान के घोड़े को पहले तो अंकल इतना तेज भगा के ले गए, फिर रेयान के घोड़े को विलियां भी लगवाई और उसको जरा भी डर नहीं लगा। सो गाइस, कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग करने के बाद हम घर पर आ गए और घर पर आए तो बस अफ्तारी में 5-6 मिनट रह गए थे। सो हम लोग ने फिर अफ्तारी करी। यहीं पर हम लोग व्लॉग नंबर 5 को एंड करते हैं। और अगर आप लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना।